तो आज के इस वीडियो में मैं 24 आवर्स मतलब आज पूरा दिन रणबीर कपूर का डाइट फॉलो करने वाला हूँ। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। रणबीर कपूर गाइस 2007 में सांवरिया फिल्म से इन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया और उसके बाद इनकी काफी सारे मूवी आई जैसे कि राजनीति, वेकअप सीन, अनजाना अनजानी, मतलब बहुत सारी मूवी आई। लेकिन सारी मूवीज में अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो इनका जो बॉडी था वो सेम था, मतलब जो इनका ओरिजिनल बॉडी टाइप है लीन एक्टोमॉर्फ, तो सारे फिल्मों में इन्होंने वही बॉडी को कैरी किया था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन था ही नहीं। इनका जो फर्स्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो फिल्म 2018 में संजू में हुआ। अब संजू हम सब ने देखी, हम सबको पता है संजय दत्त की लाइफ पे पूरा फिल्म बना है, तो संजय दत्त की लाइफ के अलग अलग एज के स्टेजेस इन्होंने परफॉर्म करने थे, तो उस हिसाब से यंग एज के लिए काफी लीन हो गए। फिर एक एज में संजय दत्त ने बॉडी बनाई थी तो इनको भी हैवी मस्कुलर बॉडी बनाना पड़ा। देन थोड़ी ज्यादा एज में संजय दत्त का पेट बाहर निकला हुआ था तो इन्होंने इतना फैट भी बढ़ाया, मतलब जो फर्स्ट एक्चुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम कहें तो संजू में 2018 में इन्होंने किया। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं गाइस, रणबीर कपूर का जो बॉडी टाइप है साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो वो है एक्टोमॉर्फ। अब एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप जो होता है उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में कि ये कितना भी खाए इसका बढ़ता ही नहीं है, वैसा बॉडी टाइप। तो अगर किसी का बॉडी एक्टोमॉर्फ है, उसको अगर लीन मसल बढ़ाना है या पेट बाहर निकालना है, फैट भी बढ़ाना है, तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। संजू में उन्होंने बहुत मेहनत की और सारे ही किरदार संजय दत्त की लाइफ के उन्होंने बखूबी निभाए, इवन फिजिकालिटी के हिसाब से भी। अब मजे की बात गाइस पता है क्या है, 2018 में जब संजू रिलीज हुई उसके बाद सीधा उनका फिल्म 2022 में आया शमशेरा। और शमशेरा अगर आपने देखी हो या नहीं देखी हो मैं आप लोगों को बता दूं, शमशेरा में भी कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने काफी हैवी लुक कैरी किया है, हैवी बॉडी। हैवी बॉडी का मतलब है ज्यादा मसल मास, जो उनके एक्चुअल बॉडी टाइप से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो 2018 से 2022 तक 5 साल तक आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते रणबीर कपूर ने ये बॉडी मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत की होगी। और गाइस दूसरी एक बहुत ही मजेदार बात अगर मैं कहूं तो 2022 में ही, मतलब आज ही, एक और इनकी फिल्म रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र। और ये फिल्म में भी उन्होंने उनका जो टिपिकल बॉडी है लीन बॉडी वो कैरी किया है। तो गाइस आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि 5 साल तक संजू के बाद उन्होंने वही बॉडी वही लुक को मेंटेन किया, बॉडी को, मसल को। और 2022 में शमशेरा के बाद सडनली उन्होंने पूरा मसल जो भी इतनी मेहनत करके बनाया था, जो रूटीन एक सेट हो जाता है गाइस, 5 साल बहुत बड़ी बात होती है। 5 साल में इंसान की पूरी हैबिट चेंज हो जाती है, मतलब वही लाइफस्टाइल उन्होंने अपना ली होगी, लेकिन वो उन्होंने वहीं पे फिर ब्रेक कर दी और वो फिर से अपने जो एक्टोमॉर्फ बॉडी है, जो लीन बॉडी है, वो लेके ब्रह्मास्त्र में आ गए। तो गाइस बस यही एक रीजन है जिसके वजह से मैं काफी इंस्पायर हुआ इस वीडियो को बनाने के लिए और मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। आज के इस वीडियो में मैं 24 आवर्स मतलब आज पूरा दिन रणबीर कपूर का डाइट फॉलो करने वाला हूं। तो अब ये डाइट कौन सा होगा, रणबीर कपूर की लाइफ के कौन से हिस्से का डाइट मैं फॉलो करूंगा, ये सवाल आपके मन में आया होगा। तो गाइस मैं 2018 से 2022 तक, मतलब 5 साल उन्होंने जो एक मस्कुलर बॉडी मेंटेन किया, मैं वो डाइट फॉलो करने वाला हूं। तो ये जो डाइट है वो पर डे 2720 कैलोरी का डाइट है, जिसमें प्रोटीन एंड कार्ब्स थोड़े ज्यादा है क्योंकि उन्होंने लीन मसल काफी गेन किया है और एट द सेम टाइम उनका फैट भी कम हुआ है। आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं सारे मील जो रणबीर कपूर खाते हैं मैं वही मील खाने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद किए बगैर सीधा मिलते हैं मील नंबर 1 पे। ऑलराइट गाइस, तो फर्स्ट मील
रणबीर कपूर का फर्स्ट मील बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, कुछ खास एक्स्ट्रा कुछ यूनिक नहीं है, मतलब इतने बड़े स्टार है। देखिए ये है 5 egg white 2 wheat bread और ये कॉर्नफ्लेक्स है, 1 glass of milk है और एक फ्रेश फ्रूट है, तो मैंने एप्पल लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं मिल्क को इसमें ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो मैं शुरू करूंगा एग से। जनरली हम लोग सोचते हैं कि ये लोग स्टार होते हैं तो क्या क्या खाते होंगे पता नहीं, लेकिन सब सिंपल ही होता है। अगर तुमको अच्छा बॉडी मेंटेन करना है, तुम कितने भी पैसे वाले हो, कितने बड़े स्टार हो, कोई मैटर नहीं करता। बॉडी को जो चाहिए वही खाना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो जो हम खाते हैं फिट रहने के लिए, वही सलमान खान भी खाते होंगे या फिर मुकेश अंबानी होंगे, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उनको भी यही खाना पड़ेगा, सिंपल है। अब पैसा तो खा नहीं सकते, सोना चांदी तो खा नहीं सकते, खाते रहे बातें नहीं। पहले मील खत्म कर लेता हूँ। लेट्स बिगिन। पेट फुल हो गया गाइस। हम लोग मिलते हैं अब सेकंड मील पे। तो गाइस मील नंबर 2। गाइस रणबीर कपूर को सब्जी रोटी बहुत ही पसंद है, इसीलिए मील नंबर 2 में उन्होंने सब्जी रोटी ऐड किया है। सब्जी है, बाजरी की रोटी है। उनको बाजरी, गेहूं या ज्वार, ये तीन अलग अलग रोटी हो या फिर तीनों को मिक्स करके कॉम्बिनेशन में रोटी बनाए, किसी भी किस्म की रोटी पसंद है। और सब्जी तो सब्जी बैगन की मैंने ली है, ग्रिल्ड चिकन और यस कर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम मिलते हैं सीधा मील नंबर 3 पे। तो गाइस पोस्ट वर्कआउट मील, मतलब के वे प्रोटीन, तो ये सिंपल वन स्कूप ऑफ वे प्रोटीन है, आइसोलेट प्रोटीन है। वर्कआउट के बाद रणबीर सिर्फ वन स्कूप वे प्रोटीन लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मील में। तो गाइस मील नंबर 4, ये एक हल्का फुल्का स्नैक है, जिसमें 1 glass of fresh fruit juice एंड सम आलमंड्स। ड्राई फ्रूट में मिक्स ड्राई फ्रूट है, तो मैंने वॉलनट, आलमंड्स और कुछ ब्लैक रेजिंस लिया है और ये ऑरेंज जूस है। तो मिलते हैं लास्ट मील पे। सी यू। ऑलराइट गाइस, तो लास्ट मील ऑफ द डे। लास्ट मील गाइस बहुत ही बोरिंग सा है, सिर्फ ये ग्रिल्ड चिकन है 125 grams, that's it, no salad, no carbs, कुछ भी नहीं। तो बस अब ये खाना है और सो जाना है। तो let's begin। गाइस, रणबीर कपूर का डाइट मैंने आज फॉलो किया, बहुत ही बढ़िया था। तो ये डाइट फॉलो करके उन्होंने जो लीन मसल, जो बफी लुक कैरी किया था शमशेरा के लिए और संजू के लिए, वो सेम यही डाइट था। तो गाइस होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरीके के सेलिब्रिटीज के डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान के बारे में वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।